वेलकम फार्मेसी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और उसको हम कंपेयर करेंगे फ्लेवोनॉइड्स के साथ। वैसे तो फ्लेवोनॉइड्स और फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो हैं उनमें काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने की वजह से हम इनको अलग कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं, राइट? तो आपके सिलेबस के अंदर बी फार्म फिफ्थ सेमेस्टर में फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के अंदर आपको लिग्नन स्टडी करना है एंड फ्लेवोनॉइड्स के अंदर आपको टी एंड रूटा स्टडी करना है, ओके? सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लिग्नन स्टडी करेंगे एंड देन फर्दर ऑन हम टी एंड रूटा के बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और यू कैन से दैट फिनाइल प्रोपेनॉइड्स आर अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कंटेन एन एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी कि C6 रिंग प्रेजेंट इसके अंदर होगी, जस्ट लाइक टू द फ्लेवोनॉइड्स, जैसे फ्लेवोनॉइड्स के अंदर प्रेजेंट हो रही थी। बट फ्लेवोनॉइड्स का जो बेसिक फॉर्मूला है वो C6C3C6 होता है, राइट? बट इन केस ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स देर इज ओनली वन C6 एंड वन C3, ओके? सो C6C3 इज द फिनाइल प्रोपेनॉइड्स, वाइल फॉर फ्लेवोनॉइड्स इट्स C6C3C6, ओके? सो दे आर द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एन एरोमेटिक रिंग एंड अ 3C प्रोपीन टेल ऑफ क्यूमरिक एसिड। नाउ दिस इज द C3 जो है प्रोपीन रिंग है, ये क्यूमरिक एसिड से ऑप्टेन होती है और इसी वजह से हम इनको फ्लेवोनॉइड क्यूमरिंस भी बोलते हैं, ओके? दिस इज द अनदर नेम ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। सो C6 आपके पास एक फिनाइल रिंग रहेगी और उसके साथ में आपके पास एक प्रोपीन रिंग रहेगी जो कि C6 यानी कि फिनाइल ग्रुप के साथ अटैच होगी एट द ऑर्थो पोजिशन, राइट? सो दे आर द फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एन एरोमेटिक रिंग एंड विद अ 3C प्रोपीन टेल ऑफ क्यूमरिक एसिड। नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर हियर। नाउ these phenyl propanoids are basically synthesized with the help of shikimic acid pathway. So we have three different pathways. One is the acetate malonate pathway, second one is the acetate mevalonate pathway, and the third one is the shikimic acid pathway, okay? So teen different pathway hain aur inhi pathways ki help se hamare paas different compounds bankar aate hain, right? Ke biosynthesized pathway hain, plants ke andar hote hain, right? और प्लांट्स के अंदर ही ये डिफरेंट कंपाउंड्स फिर फॉर्म करते हैं, अल्कलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, टैनिन्स एंड सो ऑन, ओके? सो दे आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। ये दो अमीनो एसिड्स इनकी बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन वाया शिकमिक एसिड पाथवे दे सिंथेसाइज्ड, दे आर एक्चुअली बायोसिंथेसाइज्ड, ओके, इन प्लांट्स पर्टिकुलरली। तो प्लांट के अंदर इस मेथड को, इस पाथवे को फॉलो करते हुए और इन अमाइनो एसिड्स का यूज करते हुए फिनाइल प्रोपेनॉइड्स जो हैं वो बनते हैं, C6C3 जो है वो बनते हैं। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज फिनाइल प्रोपेनॉइड्स इन द प्लांट्स? सो जनरली ये प्लांट के अंदर जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करते हैं, अगर पैथोजन्स है या फिर डिजीजेज हैं उनसे प्लांट को बचाना है। सो ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम द पैथोजन्स और फ्रॉम द डिजीज, ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को फ्रॉम द यूवी लाइट, और दे आर द असेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल पॉलीमर। अब इसी फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की हेल्प से ही डिफरेंट पॉलीमर्स बनते हैं, या हम कह सकते हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ड्रग, तो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की हेल्प से ही वो ड्रग बनती है, लिग्नन्स बनते हैं। अब लिग्नन्स के फर्दर फिर मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस बहुत सारी है। सो इस तरह से ये हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर या फार्माकोग्नोसी के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको ये फिनाइल प्रोपेनॉइड समझ आ गया है, बेसिक समझ आ गया है। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑफ फिनाइल प्रोपेनॉइड्स। सो जनरली कोई भी ऐसा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं है इसकी, या बुक में रिकमेंड ऐसा नहीं कर रखा है, बट
फॉर द ईज हमने ही इसको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर लिया गया है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इतने ज़्यादा मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अगर हम उनको क्लासिफिकेशन वाइज करें तो वो ईजी रहता है काफ़ी. सो तीन क्लासेस में इसको हमने डिवाइड किया है. वन इज़ द सिंपल फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड द सेकेंड वन इज़ द कॉम्प्लेक्स फिनाइल प्रोपेनॉइड्स एंड द थर्ड वन इज़ द बायोजेनेटिकली रिलेटेड फिनाइल प्रोपेनॉइड्स. ओके, सो सिंपल में अगर हम बात करें, क्योंकि इनको सनमिक एसिड या फ्लेवोनॉइड क्यूमरिन्स बोला जाता है, इसलिए फर्स्ट सिंपल के अंदर जो सिंपल आपके फिनाइल प्रोपेनॉइड्स रहेंगे वो इसके अंदर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल सिनेमाइल अल्कोहल, सिनेमाइड एंड फिनाइल प्रोपीन. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज द कम्प्लेक्स फिनाइल प्रोपेनॉइड्स. इसके अंदर आपके आएंगे फिनाइल प्रोपेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली एंड द लिग्नॉइड्स, जिसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे. लिग्नन्स बेसिकली इसके अंदर आएंगे. सो लिग्नॉइड्स में यहाँ पे हम लिग्नन्स पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फिनाइल प्रोपेनॉइड्स में. एंड द थर्ड वन इज द बायोजेनेटिकली रिलेटेड फ्लेवोनॉइड्स, सॉरी फिनाइल प्रोपेनॉइड्स. तो इसके अंदर हमारे क्यूमरिन्स आते हैं और फ्लेवोनॉइड्स आते हैं. देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो फिनाइल प्रोपेनॉइड्स हैं, जिसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो C6C3 होता है, जो C6C3 है, और फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है हमारे पास C6C3C6. तो जनरली दो फिनाइल ग्रुप के बीच में लिंकेज है प्रोपीन की, राइट, प्रोपीन की. बट इसके अंदर कोई लिंकेज नहीं है, इसके अंदर सिंपल क्या है, C6C3 इज द ओनली स्ट्रक्चर. यहाँ पे ये जस्ट ऐसे रहेगा. ओके, सो ये सिंपल स्ट्रक्चर है. अगर हम इसके अंदर एक फिनाइल ग्रुप ऐड कर दें तो ये फ्लेवोनॉइड्स बन जाएगा, राइट, क्योंकि इसका फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा. ओके, तो हम कह सकते हैं कि फिनाइल प्रोपेनॉइड्स की हेल्प से हम फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो बना सकते हैं, हम नहीं, प्लांट्स के अंदर वो बन सकते हैं. ओके, सो क्यूमरिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड कैटेगरी एंड द फ्लेवोनॉइड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस थर्ड कैटेगरी. आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.